खबर यही है अभी की बड़ी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं और प्रदेश के सभी मंत्री सीएस सीएमओ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। सभी विभागों के पीएस सेक्रेटरी विभाग अध्यक्ष भी इसमें मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री परिषद के 26 बिंदुओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। बैठक में 3 फरवरी से 11 जनवरी तक के दिए निर्देशों की समीक्षा भी की जाएगी। आपको बता दें कि बैठक में 3 जनवरी से 11 जनवरी तक जो निर्देश दिए गए उनकी समीक्षा होगी। विभागीय समीक्षा में दिए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा होगी। केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश को ज्यादा लाभ मिलने पर भी चर्चा की जाएगी। तो राज्य बजट में विभाग की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा होगी। तो अहम बैठक ले रहे हैं प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के सभी मंत्री सीएस सीएमओ के अधिकारी इसमें मौजूद हैं। सभी विभागों के पीएस सेक्रेटरी विभाग अध्यक्ष भी मौजूद हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ सूरज शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। सूरज, क्या कुछ चल रहा है इस बैठक के अंदर, आपके पास क्या जानकारी है? ये इसके अलावा ये भी बताइएगा कि बजट को लेकर मंत्रियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी थी कि कोई लिस्ट बनाने के लिए भी कहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि अपने विधायकों के इलाकों के अंदर कुछ लिस्ट बनाए। इतने करोड़ रुपए का, 15 करोड़ रुपए अनुमानित की लिस्ट मांगी गई है, क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से कल देश का आम बजट पेश हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिपरिषद के समूह के साथ बैठक ले रहे हैं, जिसमें खासतौर से जो 3 जनवरी से 11 जनवरी के बीच जो एक विभागीय कार्यों की समीक्षा हुई थी और उसमें क्या दिशा निर्देश दिए थे, उनके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, किस तरीके के क्रियान्वयन हुआ है, उसको लेकर मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र के बजट से मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके इस पर भी विचार किया जा रहा है। खासतौर से जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में मध्य प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही अलग अलग जो 26 बिंदु हैं उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से पिछली बार जब मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर एसपीओं के साथ कॉन्फ्रेंस की थी और मंत्रियों को भी निर्देशित किया गया था कि तमाम जो विभागों का एक मास्टर प्लान है कि अगले 3 महीने तक का वो एक मास्टर प्लान बना के देंगे कि किस तरीके से उनको अपने विभाग में कामकाज करना है, प्रदेश में बेहतरी के लिए कामकाज करना है, तो कुछ मिलाकर कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पहले समीक्षा बैठक की थी, आज एक बार फिर से समीक्षा बैठक कर रहे हैं और खासतौर से जो लंबित मामले हैं, जो विभागों की लंबे समय से मामले लंबित हैं, उन पर कितना कामकाज हुआ है। खासतौर से जो फाइलों की लंबन की बात की थी, फाइलें अटकना नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा फाइल का मूवमेंट हो ताकि जो जनता से जुड़े हुए विकास कार्य हैं वो बेहतर तरीके से हो पाए। इसके साथ ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी बजट आने वाला है तो उसको लेकर भी बैठक है कि उसमें भी चर्चा की जाएगी, जो खास तौर से मुख्यमंत्री निवास पर शाम को रहेगी, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। उनसे इस चीज के बारे में कहा गया है कि वह 15 करोड़ तक के जो विकास कार्य हैं वो उसको प्लानिंग के तहत लेकर आए, इसमें जो भी अपने क्षेत्र में विकास काम कराना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब सरकार और मुख्यमंत्री खुद अलर्ट मोड पे हैं कि बजट में किस तरीके से प्रावधान लाना है और जो केंद्र का बजट है उसमें मध्य प्रदेश को कितना लाभ हो सकता है, उससे ज्यादा से ज्यादा जो केंद्र का बजट है वो उसमें प्राथमिकता रहेगी। राज्यों के बजट में भी प्राथमिकता के जो मुद्दे हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं और मंत्रियों की तरफ से किस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने की जाती है। साहिदा जी, सूरज, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री परिषद के 26 बिंदु है जिन पर क्रियान्वयन को लेकर चर्चा होनी है। तो बैठक में केंद्र में लंबित मामलों की प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान रेवेन्यू बढ़ाने के विषयों पर भी चर्चा की जाएगी और प्रदेश में आने वाले बड़े संस्थानों और निवेश की प्रगति पर भी चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और बैठक में विभागों के जनसंपर्क और जनसंपर्क की विभागों से क्या अपेक्षाएं हैं, तमाम बातों को लेकर सीएम जो है चर्चा कर रहे हैं।